welcome to my vlog, which is Quick Tip with Meeli. And today I'm gonna give tour of very special place. Those who are historical things lover, they're gonna love my vlog because aaj jis jagah ka main tour dene wali hu, wo thoda historical cheezon se related hai. Like today I'm gonna give tour of. Aap mere piche ke gallery se bhi samajh sakte ho aaj main kidhar hu. So acha chalo aap mat guess karo, jab tak aap guess karo tab tak mera video bhi aa jayega. To fir main aapko batati hu ki aaj main aapko tour dene wali hu Patna museum ka. Ji haan, aaj main aapko tour dungi Patna museum ka. Aur don't get confused. In Patna there are two museums, one is Bihar museum and second one is Patna museum. So Patna museum काफी पुराना है, Bihar museum अभी कुछ time पहले बनाया है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि Bihar museum का tour का video अलग से आएगा. So without any further delay, let's get into my video, guys. So this is the entrance of Patna Museum, जिसका inauguration 3 अप्रैल 1917 में हुआ था. And this is ticket counter of Patna Museum, जो कि इसके अंदर ही है. आप ticket का अपना लेकर इसके साथ ही इसके अंदर से आप आ सकते हो. And this is me. ये भी देखिए, वो यहाँ पे मैं फ्लावर्स के दिखा रही हूँ, इसके पीछे जो छुपी हुई है ना वो दिखा रही हूँ. और इसके अंदर हमें जाना अलाउ नहीं है. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि इसमें तोप भी है, फिर भी नहीं अलाउ है. वो मैं और नीचे देखना चाहती हूँ यार, तो नहीं जाने का. बात नहीं, अंदर बहुत अच्छी चीज़ है, अंदर मैंने आपको दिखाई अच्छी चीज़. आप अंदर देखिए, चलिए अब रोज क्या दिखा रहे कागज. और हाँ, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे टिकट लेने आओगे तो अगर आपको वीडियो शूट करना है, फोटो लेना, उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे आपको. ओके, ये वो गार्डन है जिसके अंदर जाना अलाउड नहीं है. इसके अंदर, और मैं वही रीड कर रही थी कि इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है. एंड इसके अंदर तोप वो पी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जाने दिया. एंड दिस इज़ एंट्रेंस, जहाँ से सारे वो मतलब गैलरी है, फोटो गैलरी और सब कुछ. और ये जो भी बिहार में जो भी चीज़ घूमने वाली है, उसके सारे पोस्टर्स लगे हुए, तो वही मैं देख रही थी एंड आपको भी दिखा रही थी. तो अब आगे चलते हैं, अब हम लोग गैलरी में जाएंगे. सो ये हम गैलरी में एंटर करते हुए, एंड इस गैलरी में आपको मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स दिखेंगे, वो गांधी जी के ही होंगे. एंड पेंटिंग्स और जितने भी चीज़ होंगे, सारे गांधी जी से रिलेटेड ही होंगे. एंड और बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है इस गैलरी में. आप जब जाओगे तो आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा. ऐसे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मेरे को लाइक यहाँ पे तो बहुत सारी पेंटिंग्स है. अभी आप देखोगे लाइक मेरे को उतनी पेंटिंग समझ में नहीं आती. लोग बोलते हैं बहुत अच्छी आर्ट होती है, नॉल होती है, बट मेरे को उतनी पेंटिंग समझ में नहीं आती है. पर हाँ, कोई कोई पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर है. एंड ज़्यादातर पेंटिंग मैं आपको बता रही हूँ गांधी जी से ही रिलेटेड होगी. एंड बहुत सारी पेंटिंग्स मतलब मेरे को उतनी कोई खास समझ में नहीं आई, पर वो ब्यूटीफुल है, काफ़ी ब्यूटीफुल है. मैं ये नहीं बोल सकती ब्यूटीफुल नहीं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है. तो आप जब भी आओ तो आप यहाँ पर आके काफ़ी इन्जॉय करोगे. आप देख सकते हो मेरे वीडियो में. और मैं इस पेंटिंग की बात कर रही थी, इसके बाद वाली जो पेंटिंग आएगी मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं है. ये है क्या, बस गांधी जी की छोटी सी फोटो बनी हुई है. और ये पूरी पेंटिंग मेरे को कुछ समझ में नहीं है क्या है. और आप इंजॉय कीजिए पूरा ये पेंटिंग का टूर, लाइक ये आर्ट गैलरी का टूर. और ये क्या था मेरे को समझ में नहीं आया, बट कुछ हेड टाइप लग रहा था. एंड आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स है. आप जाओगे तो अगर जो पेंटिंग लवर है उनको पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी. और जैसे ही आप इस गैलरी में एंटर करते हो, आपको ये जो पोर्ट्रेट है इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बिहार कल्चर शो होगा अच्छे तरीके से. एंड यहाँ इस गैलरी में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स, लाइक ये पूरी गैलरी आपको पेंटिंग की है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग दिखेगी. तो आप मेरा ब्लॉग के थ्रू इंजॉय कीजिए ये टूर, पेंटिंग गैलरी का टूर. और अब हम जा रहे हैं नेचुरल हिस्ट्री गैलरी में, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, बटरफ्लाईज एंड फ्रूट्स एंड स्टोन्स सब देखने को मिलेगा. तो एंजॉय कीजिए नेचुरल हिस्ट्री गैलरी का टूर.
have a different type of stone here. और यहाँ पे उसके सारे नाम भी लिखे हुए हैं ऑब्जेक्ट के नाम जो भी आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो लेकिन आप मेन नहीं लिखा मेरे को सारा का नाम नहीं पता और यहाँ पे इधर सारे सारे स्टोन्स ही कहीं पूरी गैलरी स्टोन्स ही दिख रही है कहीं पूरी गैलरी स्टोन्स ही तो दोनों का जल्दी से करिए सबको दिखाइए जल्दी जल्दी और इधर से ऊपर जाते हुए एंड ऊपर जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलेगी तो अब चलिए ऊपर का टूर एंजॉय करते हैं और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई है बुद्ध भगवान की एंड जो कि काफ़ी सुंदर है एंड यहाँ पे लोग मैं आपको बता दूँ यहाँ पे फोटो शूट भी करते हैं जैसे कि आंटी सेल्फी ले रही थी और यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं राहुल आर्ट गैलरी में यहाँ पे राहुल आर्ट गैलरी में आपको जो भी पेंटिंग्स हैं वो सारे राहुल जी जो है उन्होंने बनाई है तो ये सारी पेंटिंग्स उनकी बनाई हुई है जो कि काफ़ी सुंदर है आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स है एंड आपको हाँ हर गैलरी में जाओगे तो एक आदमी मिलेगा वीडियो शूट का टिकट लेने के लिए तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बोला है कि आपको वीडियो शूट करना है तो उसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी होगी तो इन्जॉय कीजिए राहुल आर्ट गैलरी का टूर So this is metal art gallery you can see and which is very very and this is really very beautiful and I'm yahan pe log nahi the maine mask hata liya hai aap dekh sakte ho and this is really very beautiful ha mere ko bahut maza aa raha hai yahan pe shoot karke aur main aapko acche se dikhati hu ye pura aapko is pura metal art gallery ka tour deti hu so come with me guys ये पूरी मेटल आर्ट गैलरी जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है आप मेरे पूरे ब्लॉग में देखोगे एंड यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये पूरी मेटल मतलब जो भी मेटल स्टैचूज़ है उसका इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है साइड में तो मैं आपको वही बताते हुए देखूँगी देखो अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि ये जो भी मेटल के स्टैचूज़ हैं उनके बारे में इंस्ट्रक्शंस उनके बारे में जो है क्यों है क्या है सब कुछ आपको इस चार्ट के थ्रू आपको पता चल जाएगा तो आप वहाँ जाओगे तो अगर आपको जानना होगा तो आप आराम से जान सकते हो वैसे वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं मतलब इंस्ट्रक्टर भी होते हैं तो आपको इंस्ट्रक्टर आपको बता देंगे कि क्या है क्या नहीं है बट अगर आपको खुद से जानने का है तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है तो आप उसके थ्रू जान सकते हो तो एन्जॉय द टूर ऑफ मेटल आर्ट गैलरी विच इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल गाइज गैलरी में इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है मेरे को भी याद नहीं है मैंने यहाँ से नीच कर जाकर बताया सो हो गया अब मेरे को दिखाइए और अभी आज गैलरी को दिखाइए इसमें डेकोरेटिव आर्ट है एंड वेपन्स गैलरी है क्या मैम जल्दी करिए हमें लेट हो रहा है वो वहाँ मुझे सुन रहे कि मैं सुनी गए जहाँ से प्राप्त कलाकृति जहाँ से प्राप्त कलाकृति खासकर और ये जो म्यूज़ियम है आपको पूरा मुगल एंड रॉयल आर्किटेक्चर का फील देगा मैं यहाँ आपको वही बता रही हूँ एंजॉय द टूर ऑफ दिस गैलरी
Now we are entering in Dr. Rajendra Prasad Gallery to enjoy the tour of Dr. Rajendra Prasad Gallery. आर्ट गैलरी मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे तरीके से एंड यहाँ पे कोई नहीं है मैम यहाँ पे मास्क हटा सकती हूँ यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे थे मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ अच्छे तरीके से ओके गाइस ये जगह भी बहुत सुंदर है मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ ये इंडियन पेंटिंग ये क्या है और भी सुंदर लगेगा ये इसके पढ़ाई कर रहे हैं ये कुछ पेंटिंग कर रहे हैं कुछ मसाले बना रहे हैं और ये पत्थर कर रहे हैं ठीक है वर्कशॉप ऑफ पेंटिंग मुगल पीरियड ये मुगल पीरियड के पेंटिंग का वर्कशॉप है ये देखिए ये ओ इतने आप क्या पेंट कर रहे हो वो भी दिख जाएगा वो देखिए वो ये भी देखिए क्या पेंट कर रहे हैं वो भी दिख जाएगा सो दिस इज फाउंटेन एरिया जो कि बहुत ब्यूटीफुल है ग्राउंड फ्लोर में ही है तो आप इंजॉय कीजिए पूरा फाउंटेन एरिया का टूर और मैं पता है वहाँ पे गिरते गिरते बची थी और नाउ एंजॉय द फाउंटेन एरिया का टूर और इस एरिया में साइड में छोटे छोटे स्टैचूज बने हुए तो आप जब आओगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस जगह पर और यही वो गार्डन है जिसमें हम लोग को जाने नहीं मिला मेरे को बड़ा मन था उसमें जाने Like, share to my Instagram and see you guys in the next vlog. Bye bye.